नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान। स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। तो जैसा कि आपको पता है कि शहनाज गिल कह गई सॉरी सॉन्ग रिलीज हुआ था 12 मई को। जी हां, वो सॉन्ग सुपर हिट भी गया, बहुत ज़्यादा आगे भी वो सॉन्ग गया और फैंस ने उसको बहुत अच्छे से दिल से सपोर्ट भी किया। उसके अंदर लिरिक्स भले ही थे शहनाज गिल के, वो छोटे छोटे से क्यूट मोमेंट्स जो हमारे को देखने को मिले, शहनाज गिल के इमोशनली मोमेंट्स हों या फिर शहनाज गिल का अच्छा एक्सप्रेशन क्यों ना, हमने शहनाज गिल को बखूबी प्यार दिया। तो सभी लोगों का सवाल ऑलमोस्ट ये था, सभी लोगों का सवाल जो है वो यही सब कर रहा था कि शहनाज गिल ने सॉन्ग को करने के लिए पैसे कितने लिए हैं। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और शहनाज गिल जो है वो आजकल अपने प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, ये भी है बहुत बड़ी बात मानने वाली है। तो दरअसल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शहनाज गिल ने अभी तक इस सॉन्ग को करने के लिए एक भी पैसा नहीं लिया है। अब ऐसा क्यों, क्या वजह है? शहनाज गिल जो है अभी तक इन्होंने इस सॉन्ग को करने के लिए एक भी पैसा नहीं लिया है क्योंकि अभी इस सॉन्ग के अंदर है लिरिक्स और जस्सी गिल शहनाज गिल को देंगे इस सॉन्ग के 10 लाख रुपए। जी हाँ, मगर शहनाज गिल ने कब किया है वो पैसे लेने के लिए? शहनाज गिल ने साफ तौर से बोल दिया है कि अभी जो इसके अंदर लिरिक्स हैं वो छोटे छोटे पिक्चर लाइज हैं, वो सब ऐसे इन्जॉय मोमेंट जिससे फैंस का मोमेंट जो है और मनोरंजन फैंस का बने रहे। तो इसी बात को लेकर के शहनाज गिल ने कहा है कि मैं अभी इस सॉन्ग के कुछ पैसा नहीं लेना चाहूँगी, बट हाँ इसके अंदर जब मैं पिक्चरलाइज करूंगी, अभी सॉन्ग का पिक्चरलाइज आना है हमें लॉकडाउन के बाद, हमें सॉन्ग का पिक्चरलाइज देखने को मिलेगा शहनाज गिल और जस्सी गिल के बीच में, तभी शहनाज गिल इस सॉन्ग के 10 लाख रुपए लेती हुई नज़र आएंगी। तो फिलहाल शहनाज गिल की तरफ से ये बात है पूरी, जो खुलासा हुआ है शहनाज गिल की तरफ से वो यही सब हुआ है कि शहनाज गिल 10 लाख रुपए अभी उन्होंने लिए नहीं है सॉन्ग करने के लिए, बट हाँ जब ये सॉन्ग की पिक्चरलाइजिंग होगी, जब तरीके से सॉन्ग को रिलीज़ किया जाएगा, फिर जो है वो शहनाज गिल पैसे लेंगी। अभी यहाँ पर कुछ भी इन्होंने नहीं लिया है। हालांकि बहुत सारे फैंस ये भी कह रहे थे कि शहनाज गिल ने, जिनको पता है ऑलमोस्ट, वो यही सब कह रहे थे कि शहनाज गिल ने ये सॉन्ग के पैसे क्यों नहीं लिए, चार्ज क्यों नहीं किया। कहीं कहीं पर हो जाता है कि जो काम जो है वो करना पड़ता है फैंस के लिए सिर्फ, बट यहाँ पर हर काम पैसे के लिए नहीं होता। अभी आने वाले टाइम के अंदर सिद्धार्थ के लिए बहुत सारे काम करती हुई नज़र आएंगी शहनाज गिल, तो वहाँ पर कहीं कहीं पर हमें ऐसा देखने को भी मिलेगा कि शहनाज गिल वहाँ पर उस सॉन्ग को फ्री ऑफ कॉस्ट में करेंगे शुक्ला जी के लिए, और ऐसे ही शुक्ला जी शहनाज गिल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में करते हुए नजर आएंगे। तो बहरहाल शहनाज गिल की जस्सी गिल के साथ में बहुत अच्छी दोस्ती भी रही है और इसी बात के चलते उन्होंने बस दोस्ती निभाई है, और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में अगर प्रोजेक्ट्स करेंगी, अगर ऐसा कुछ सामने आएगा मोमेंट, तो शहनाज गिल कहीं कहीं पर सॉन्ग के पैसे नहीं लेंगी या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स के यूँ कह लो कि सिद्धार्थ शुक्ला से पैसे नहीं लेंगी, क्योंकि वो एक बॉन्डिंग अलग है, उनका पैसा इनका पैसा दोनों एक ही बात है। मगर जस्सी गिल के साथ में अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट जब पिक्चरलाइज होगा तब ही जाकर शहनाज गिल 10 लाख रुपये लेंगी। तो ये है सारा मोमेंट जो आपको जानना था, जो आपने मुझसे सवाल किया था, मैंने आपका जवाब दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा, और जिसका कोई डाउट है जल्दी से नीचे में कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो लाइक भी कर लीजिए, वही चैनल पर नई और इनसे जुड़ी अपडेट्स भी आप तक पहुंचाई जाती हैं, तो जल्दी से करिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब। सो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।